हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल रोज में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में ये जान लेते हैं कि 1.5 HP मोटर वाइंडिंग कैसे किया जाता है। उसका डाटा, मोटर वाइंडिंग का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं इसमें। फ्रेंड, ये वीडियो बिल्कुल नए लोगों के लिए है जो मोटर वाइंडिंग सीखना चाहते हैं या अभी कहीं सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको वाइंडिंग करके दिखाया हूँ। फ्रेंड, अगर आप नए हैं, मोटर वाइंडिंग सीखना चाहते हैं या अभी सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। फ्रेंड, अगर आप ऐसा ही वीडियो ढेर सारा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर दें। मोटर वाइंडिंग करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जल्दीबाजी ना करें, कोई हड़बड़ी ना करें। आप आराम से कॉइल्स को डालें, धीरे धीरे करके, 2, 4, 5 करके, ताकि वायर कहीं से छीले ना, कटे ना। कभी कभी क्या होता है कि वायर छिल जाता है, कट जाता है, तो उसी जगह भ्रष्ट मारकर आपका वाइंडिंग जल जाता है। तो आप आराम से कॉइल्स डालें, ज़्यादा बेहतर होगा लकड़ी की मदद से। कितने लोग तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से कॉइल्स डालते हैं, खैर उनके हाथ में हैबिट हो जाता है, आपके हाथ में भी हैबिट हो जाएगा। लेकिन अब आप नए हैं, अभी आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप लकड़ी के सहारा से ही कॉइल्स को डालें, पेपर को ही मोड़ें और ऊपर से कॉइल्स की ऊपर से आप इस तरह से डालें। ध्यान रहे कि एक भी वायर बाहर न रह जाए पेपर से, दोनों तरफ के पेपर के अंदर ही होने चाहिए सारे वायर। एक भी वायर बाहर होगा तो आपको बॉडी में अर्थ देगा और वाइंडिंग जल जाएगा। बड़े ही सावधानी से डालिए इस तरह से। वीडियो आप पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा अगर आप मोटर वाइंडिंग सीखना चाहते हैं तो। Thank you.
फ्रेंड आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसीलिए आप वो सब बातें पूछते हैं जो मैं कई वीडियो में बता रखा हूँ। आप ऐसा न करें, अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद आप कमेंट करें। वीडियो में अगर आपको कोई कमी नज़र आता हो तो भी आप कमेंट करें, मैं उस कमी को सुधार करने का कोशिश करूंगा और आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे सकूं। ये लुबी कंपनी का मोटर है, मोनोसेट पंप 1.5 HP। ये 240 वोल्ट पर वर्क करता है, मैक्सिमम 220 वोल्ट चाहिए इसे। कम से कम 150 वोल्ट होगा तो भी आपका पानी उठा लेगा, चलेगा ये, लेकिन हीट होकर जलने का डर रहेगा। Thank you.
इतना बड़ा लंबा वीडियो कौन देखेगा। बिल्कुल आप सही कहते हैं, लोग छोटा वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। तो ये वाला स्लॉट में ये क्वाइल्स डालेंगे। एक एक क्वाइल करके मैं डालूंगा, वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पूरा वाइंडिंग देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फुल वाइंडिंग देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपनी लाइफ में खुश रहें।
और ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। आज का वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।